हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 28 जनवरी और आज हम 28 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहां आपको जानकारी मिलेगी डेली के करंट अफेयर्स के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, 72वें गणतंत्र दिवस पर कुल कितने नागरिकों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है, कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें से 2 लोगों को मरने के बाद दिया जाता है, जो कि पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो और दूसरे सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हैं। और बात करें अगर पद्म विभूषण की, तो ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसमें से पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और वहीं अगर मैं बात करूँ पद्म भूषण की, तो 10 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा की जाती है। हमारा अगला सवाल, इंटरपोल के द्वारा जारी ब्लू कॉर्नर नोटिस का संबंध इनमें से किससे है? आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी, अपराधी की पहचान, सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में चेतावनी, या फिर संदिग्धों को ट्रैक करने के लिए? तो अगर मैं ब्लू कॉर्नर नोटिस के बारे में बात करूं, तो इस नोटिस का संबंध अपराधी की पहचान से है, यानी कि ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। और बात करूँ ब्लू कॉर्नर की, तो ये एक प्रकार का नोटिस है और इसी की तरह 6 और नोटिस है जो कि इंटरपोल के द्वारा जारी किए गए हैं, और इस संस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करना है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस की परेड में किस पड़ोसी देश की सेना की टुकड़ी पहली बार परेड में शामिल होती है? तो इसका सही जवाब है, बांग्लादेश की टुकड़ी, यानी कि बांग्लादेश की सेना की टुकड़ी 72वें रिपब्लिक डे पर पहली बार परेड में शामिल होती है। और बात करें अगर 72वें रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 2021 की, तो इसमें राफेल ने पहली बार उड़ान भरी है और 55 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि रिपब्लिक डे के परेड में कोई चीफ गेस्ट शामिल नहीं हुए हैं। हमारा अगला सवाल, भारतीय मूल के सीन देसाई को हाल ही में किस फुटबॉल टीम का डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है? तो इन्हें शिकागो बियर्स फुटबॉल टीम का डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है। और बात करें अगर सीन देसाई की, तो वे पहले दक्षिण एशियाई और भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें अमेरिका के एनएफएल के लिए डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है, एनएफएल यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग। हमारा अगला सवाल, वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी कि फीडे के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत में किस राज्य में अकेले 24 ग्रैंड मास्टर हैं? तो इसका सही जवाब है, तमिलनाडु इकलौता ऐसा राज्य है जहां अकेले 24 ग्रैंड मास्टर हैं। और अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, तो पूरे भारत में 67 ग्रैंड मास्टर हैं और ये रिपोर्ट साल 2020 तक की है, जिनमें से अकेले केवल तमिलनाडु में ही 24 ग्रैंड मास्टर हैं। और बात करूं अगर तमिलनाडु के चेन्नई की, तो चेन्नई में करीब 50 एकेडमी है जो कि चेस टूर्नामेंट का आयोजन कराती है। और अगर हम बात करें देश के पहले इंटरनेशनल मास्टर की, तो वो मैनुअल एरोंदेस से हैं। और अगर भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर की बात करूं, तो उनका नाम विश्वनाथ है और विश्वनाथ भी तमिलनाडु से ही है। और बात करो अगर वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी कि फीडे की, तो इसका फॉर्मेशन 20 जुलाई 1924 को होता है और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के सीएम का नाम थिरुइदप्पड़ी और गवर्नर यानी कि राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित जी है। और बात करें अगर केरल की, तो केरल के सीएम का नाम पिनराई विजयन और गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के सीएम का नाम विजया भाई आर रूपानी और गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च की है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पंख योजना लॉन्च की है, जिसके तहत पी प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, ए अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, एन न्यूट्रिशन जिसका मतलब पोषण, के नॉलेज जिसका मतलब ज्ञान, और एच हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य
इन सभी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए पंख योजना को लॉन्च किया जाता है और ये एमपी के सीएम शिवराज सिंह के द्वारा किया जाता है, जिसकी लॉन्चिंग 24 जनवरी रविवार को दोपहर 12 बजे होती है। और इस तरह के अभियान में जो फीमेल्स हैं उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण और पंचायत स्तर पर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और बात करें अगर बिहार सरकार की, तो बिहार के सीएम का नाम नीतीश कुमार और गवर्नर का नाम फागू चौहान है। हमारा अगला सवाल, श्रीलंका के बल्लेबाज कुमार संकारा को किस आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजी ने क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है? तो हाल ही में श्रीलंका के बल्लेबाज कुमार संकारा को राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजी ने क्रिकेट निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। और बात करें अगर कुमार संकारा की, तो इन्होंने अपने 16 साल के करियर में श्रीलंका की तरफ से 28,000 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं। हमारा अगला सवाल, श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी संस्थान में एग्री फूड टेकाथॉन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में एग्री फूड टेकाथॉन की लॉन्चिंग मिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा आईआईटी खड़गपुर में होती है। और अगर मैं बात करूँ रमेश पोखरियाल के बारे में, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एग्री फूड टेकाथॉन का उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य नई प्रकार की प्रौद्योगिकी और उनके विचारों को प्रेरित करना होगा, यानी कि इसका रिलेशन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से है। हमारा अगला सवाल, 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और ये दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितनी भी प्रलय हुई थी उनकी याद में मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, यानी कि इंटरनेशनल साइंस डे की, तो ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। और बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस डे की, तो ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और बात करूँ अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस की, तो ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा गाइज, हमारा कल का सवाल आपसे था 26 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, यानी कि नेशनल कस्टम डे। तो इसका सही जवाब सिर्फ एक सिम्मी ठाकुर ने दिया है। सो गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आपको PDF की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।